पैसा क्यों खर्चा किए? क्यों खर्चा किए? फ्री में एक आदमी वोट देता है कोई, किसी को चाहिए 1,000 रुपया, किसी को चाहिए 2,000 रुपया। तो इंदिरा आवास में आप 30,000 रुपया लीजिएगा? हाँ 30,000 लेंगे। सड़क बनवाइएगा तो 2 नंबर की ईटा लगाएंगे, 60 लाख का सवाल है। पैसा है तो हम जेसीपी से काम करवाएंगे, हम मजदूरी वाला पैसा आपके खाता में जाएगा, आपके खाता में से पैसा निकाल के हम खा जाएंगे। तो चलिए सब ठीक ठाक है ना, सारा काम हो जाएगा आप लोग का बॉस? ठीक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। और सब ठीक ठाक है ना? जी ठीक। कहिए कैसे आना हुआ? वो क्या है ना सर कि पिछले ही टर्म में हमारा इंदिरा आवास क्लियर हो गया था। हाँ हाँ हाँ। आप नया जीते हैं तो सोचे कि उस समय मिला नहीं। हाँ हाँ अच्छा। आप पास हुए गया तो आप निकलवा दीजिए। हाँ हाँ निकल जाएगा, कोई बहुत बड़का बात कोई। 30,000 रुपये इंदिरा आवास के लिए तो फिक्स है। 30,000? हाँ तो किस चीज का? किस चीज का? और 60 लाख रुपया जो आप लोग सब लोग मिल के हचर हचर के खाए हैं वो ध्यान नहीं है? आप पैसा क्यों खर्चा किए? क्यों खर्चा किए? फ्री में एक आदमी वोट देता है कोई, किसी को चाहिए 1,000 रुपया, किसी को चाहिए 2,000 रुपया। तो इंदिरा आवास में आप 30,000 रुपया लीजिएगा? हाँ 30,000 लेंगे। सड़क बनवाइएगा तो 2 नंबर की ईटा लगाएंगे, 60 लाख का सवाल है। पैसा है तो हम जेसीपी से काम करवाएंगे, हम मजदूरी वाला पैसा आपके खाता में जाएगा, आपके खाता में से पैसा निकाल के हम खा जाएंगे। मतलब आप 60 लाख पुराने के चक्कर में? हाँ 60 लाख रुपया खर्चा किए तो निकालेंगे कहाँ से? और पौधारोपण आप करवाइएगा? पौधारोपण? 4-5 गो पौधा रोपा देंगे, आप बकरी चरवा देंगे, कह देंगे कि हाँ पौधा रोपा गया, हो गया बात खत्म। 60 लाख के सवाल है हमार। पंचायत को ऐसे ही चलेगा आप? तब कैसे चलाएंगे? ऐसे ही चलवे करेगा, जब तक आप लोग पैसा लेके वोट देते रहिएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा पंचायत, समझ गए? यही दिन देखने के लिए आपको लोग मुखिया बनाया? यही दिन देखने के लिए आप लोग पैसा लेके वोट दिए थे?